नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज रोड शो करेंगे और वहीं आपको बता दें कि अकबरपुर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो किया जाएगा और शहजादपुर संगतिया तिहारा से अकबरपुर पटेल नगर तक रोड शो किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार छठे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जारी है और इसी बीच सांसद मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज रोड शो करने वाले हैं और अकबरपुर विधानसभा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे और वहीं लोगों से वोट करने की भी अपील की जाएगी और शहजादपुर संगतिया तिहारा से अकबरपुर पटेल नगर तक ये रोड शो चलेगा। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार निकाय चुनावों में बीजेपी ने धांधली और हिंसा का आरोप लगाया, जिसके बाद अब उन्होंने 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी यानी कि बंगाल में बंद का आह्वान किया है। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में 12 जिलों की आपको बता दें लगातार निकाय चुनावों में कथित धांधली के आरोप में बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। लगातार धांधली निकाय चुनावों में धांधली को लेकर बीजेपी की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर पश्चिम बंगाल में निकाय चुनावों में कथित धांधली को लेकर ये राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार को मतदान हुआ, जहां पर 57.32% वोटिंग हुई है और 2017 और 2012 के चुनाव की तुलना में मतदाताओं में कम उत्साह दिखा है और इस चरण में कुर्मी और पासी समुदाय के वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में ये दोनों समुदाय के वोटिंग पैटर्न सियासी दलों के सियासी भविष्य को तय भी करेगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई और अब तक के चारों चरण की तरह ही पांचवें चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रही है और रविवार को पांचवें चरण में अवध क्षेत्र के लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुए और जहां कुर्मी वोटर अहमा भूमिका में है और वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक पांचवें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा की चुनाव की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोटिंग रही थी।